भारत आदिवासी पार्टी ने अब छत्तीसगढ़ में भी एंट्री ले ली है। बीएपी निसरगुजा लोकसभा सीट से जोरे मिंज को अपना प्रत्याशी बनाया है। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष बसंत कश्यप ने मिंज के इसकी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि जल, जंगल, जमीन, स्वास्थ्य और शिक्षा उनकी पार्टी का मुद्दा रहेगा। साथ ही कहा कि बीजेपी कांग्रेस ने सालों से आदिवासियों को धोखा दिया है। राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे तो सबसे बड़ा है, जिससे संविधान संचालित होता है, देश चलता है, जिस संविधान से, उस संविधान से हमारा समुदाय क्यों संचालित नहीं हो रहा है? इतने सारे व्यवस्थाएं दिया गया, अधिकार दिया गया, संरक्षण दिया गया है। यही मुद्दा मेरा होगा कि संरक्षण की बात है, व्यवस्था देने की बात है, इसी मुद्दा को मैं राष्ट्रीय लेवल तक रखूंगा। ऐसे क्या वजह हुई कि अब आप लोग जाग रहे हैं और चुनाव मैदान में? वजह यह है कि आदमी कब तक सहन करेगा? पढ़ा लिखा बच्चे ज्यादा होशियार हो गए हैं, सूचना प्रौद्योगिकी के जमाने जिसका मैं इंजीनियर वैज्ञानिक हूं, इतने सारे व्यवस्थाएं हैं, बावजूद हमारे आदिवासी इतने पिछड़े क्यों हैं? मैं आदिवासी हूं, मुझे गर्व है कि हमारे समाज से पहली बार कोई आदिवासी मुख्यमंत्री बना है, लेकिन पिछले इन दो तीन महीनों में उनका जो रूप है उसको हम देख के कह सकते हैं कि वो सिर्फ नाम के आदिवासी हैं। मैंने देखा कि जब राष्ट्रपति लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न दे रहे थे और प्रधानमंत्री जी वहां बैठे थे, इसको हम इस नजर से देखते हैं कि चाहे वो राष्ट्रपति का पद हो, चाहे वो किसी छोटे स्तर का पद हो, आदिवासियों को पद तो दे दिया जाता है, लेकिन वो सम्मान, वो अधिकार जो रहते हैं, वो सिर्फ दिखाने के होते हैं।